गया है, किस विषय को लेकर किया गया है? केंद्र सरकार, ये आंदोलन राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, प्रियंका जी गांधी उनके आदेश से और मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप, चरण सिंह सप्रा जी, वर्षाताई गायकवाड़ जी, इनके मुंबई से आदेश से हम लोग को हर वार्ड में नगर सेवकों को ये संघर्ष, ये आंदोलन छेड़ने के लिए बोला था। आज हमारा दिन है, सबके इधर हो रहा है, आज हम लोग छेड़ रहे हैं। कोरोना काल में मोदी के ये महंगाई से गरीब तो मर गए, सामान भी मर गए और पैसे वाला भी हिल गया है। जिस तरह से आपका कहना है कि मोदी महंगाई कर रहे हैं, महंगाई से जो है जनता परेशान है, और वही आपकी वही बात आती है, तो सरकार से आपकी क्या मांगे रहेगी? हमारी सरकार से यही मांगे रह गई, क्योंकि कोरोना काल में आज 2 साल हो गए, गरीबों की नौकरी जा रही है, अच्छे अच्छे लोग बेकार घर में पड़े, स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ऐसे में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए मदद अधिक ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि जिन्हें पेट्रोल के भाव चढ़ गए हैं वो उतारना चाहिए, राशन बढ़ गया, दाल की महंगाई हो गई, भाजी सब्जियों महंगा हो गया, एक बार पेट्रोल डीजल बढ़ गया तो सबके ऊपर भाव दाम बढ़ जाते हैं। कोरोना का तीसरा चरण भी चालू होने वाला है, तो कोरोना काल में अगर ऐसी महंगाई रही तो जनता का क्या हाल होगा? तो जनता के लिए सरकार से क्या निवेदन, क्या प्रयत्न करना चाहेंगे? सरकार जो 3 संगठन से सरकार बने लिए हमारी महाराष्ट्र की, तो वो हमारे लिए सक्षम है, वो हमारे लिए कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार से जब तक जो पुरोठा नहीं हो रहा है तो महाराष्ट्र क्या पूरा इंडिया में कोई नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सका है। मैं दो महंगाई के वजह से हो गया और ये मोदी के विरोध में हो रहा है। हर हमारे बम्बई में, हर ऑल इंडिया में, हर महाराष्ट्र में ये आंदोलन चालू है कि मोदी के आंदोलन के वजह से तो आँख खुलेंगी। जिस तरह से आपने कहा ये महंगाई है, अगर इसी महंगाई में तीसरा चरण भी जो है कोरोना का चालू हो गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जनता को ऊपर क्या बीतेगी, क्या कहना चाहेंगे, जनता तक क्या सूचना देना चाहेंगे? अभी पहला, दूसरा, सेकेंड और फर्स्ट लाट में तो गरीबों की कमर तो टूट गई, गरीबों की भी गई, मीडियम लोगों की भी गई और पैसे वाले लोग भी हिल गए। ऐसे वक्त में तीसरी लाट आ जाए, अगर केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पे ध्यान नहीं दिया तो गरीबों को क्या, अच्छे अच्छे लोगों को भी कटोरा लेके रोड पे बैठना पड़ेगा। ये आंदोलन कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये आंदोलन हमारे भाई जगताप, महाराष्ट्र मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी, राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनके मार्गदर्शन से, आदेश से, और भाई जगताप के मार्गदर्शन, भाई हो, सप्रा जी हो, उनके मार्गदर्शन से ये आंदोलन हर मुंबई में, हर जगह पे, हर वार्ड में, हर लुक्कड़ पे हो रहा है। जिस तरह अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन भी जो है मोदी सरकार ने बोला था 21 जून को जो है जून से फ्री दिया जाएगा, उस विषय को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को महानगर पालिका के तरफ से हर नगर सेवक के वार्ड में वैक्सीन सेंटर खोल दिया है, मुभा दिए लोगों को, लेकिन लोग 300 रहते हैं, वैक्सीन 100 आती है, तो हम लोग किसको सामना करें, किसको बोले? फिर 18+45 के लोगों को तैयारी किया है, चालू किया है, उसका भी वैक्सीन पूरा नहीं आ रहा है, तो ये केंद्र सरकार ने ध्यान देना चाहिए ना। सब कुछ है जो सुख क्षेत्र बैठा है कौन, मोदी जी। अगर वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन 18 से या 45 से चालू हो गया, और उसके जो नीचे के बच्चे हैं उन पर क्या होगी, उनके लिए वैक्सीन का क्या किया जाएगा? वो सब गवर्नमेंट के हाथ में है, हम लोग छोटे लोगों से वो पता नहीं। अभी हम लोग को जैसे आदेश आते हैं वैसे हम वैक्सीन की योजना करते, हमारे वार्ड में जाते, गल्लो गली जाके बताते हैं कि वो फैसिलिटी चालू हो गया है। अगर यही वैक्सीन की बात, वैक्सीन जो है नकली भी बन रही है और जनता इसी से लगवा नहीं रही है और वैक्सीन के नाम से डर रही है, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे और सरकार तक ये बात को क्या पहुंचाना चाहेंगे? जनता ने डरना नहीं चाहिए, अभी हमारे जैसे लोग दो दो वैक्सीन लेके काम कर रहे, अभी हम लोग भी कल वैक्सीन लिया, परसों वैक्सीन लिया, कल से भीग रहे बरसात में। जनता ने ये इश्यू नहीं करते हुए अपने जान के खातिर, अपना खुद का संरक्षण के खातिर वैक्सीन लेना जरूरी है। जो नकली वैक्सीन बना रहे हैं, नकली वैक्सीन, और जो है कुछ पार्टी के लोग भी मिलके जो है नकली वैक्सीन को सप्लाई कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उन पर कार्रवाई बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये
हमारी ने पूरे जनता की ने पूरे देश की धोखेबाजी चल रही है, देश के शरीर से और उन लोग के पूरे लोगों के खेल रही है वो उन लोग नकली इंजेक्शन देके। लेकिन हम, वो बड़ा मुद्दा है, हम बड़े मुद्दे पे हम बोलना नहीं चाहते।